सो हेलो टू एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हम सब्जेक्ट कवर करेंगे वो क्लास है बायोलॉजी है, जिसके अंदर हम चैप्टर कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल के एक टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे। बेसिकली ह्यूमन एंड एनिमल्स के अंदर हमारी बॉडी जो भी आज काम कर रही है डेली लाइफ में, वो सिर्फ कोऑर्डिनेशन की वजह से काम करती है। और बॉडी के अंदर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन होते हैं। फर्स्ट होता है नर्वस कोऑर्डिनेशन, सेकेंड होता है हार्मोनल कोऑर्डिनेशन। अगर हम बात करें नर्वस कोऑर्डिनेशन की, तो इट्स अ टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन विच इज़ मेनली कंट्रोल्ड बाय अवर नर्वस सिस्टम। इफ़ यू वॉन्ट टू क्लासीफाई नर्वस सिस्टम इंटू टू सब काइंड्स और सब कंपोनेंट्स, सो वी कैन से दैट नर्वस कोऑर्डिनेशन कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। वेयर इज इफ यू टॉक अबाउट हार्मोनल कोऑर्डिनेशन, तो हार्मोनल कोऑर्डिनेशन के अंदर हमारे पास भी दो, हम उसको सब कंपोनेंट से डिवाइड कर सकते हैं। जैसे पहला हमारे पास होता है एंडोक्राइन सिस्टम एंड सेकेंड इज एक्सोक्राइन सिस्टम। हमारा एक्यूबी के एसएलओस में ओनली वी हैव टू फोकस ऑन एंडोक्राइन सिस्टम, बट फॉर प्रीव्यू और फॉर ओवरव्यू पर्पज आई कैन टेल यू समथिंग अबाउट एक्सोक्राइन एज वेल। सो बेसिकली एक्सोक्राइन का मतलब होता है कि डक्ट्स होना। हम अगर अपनी ह्यूमन बॉडी की एग्जाम्पल लें, तो उसके अंदर डक्ट्स जो हैं हमारे माउथ के अंदर पाए जाते हैं, सलाइवा जहाँ से प्रोड्यूस होता है हमारे नॉर्मल लाइफ में ऑटोमेटिकली होता है, तो वो डक्ट्स के थ्रू रिलीज किया जाता है। तो उसमें हमारे पास सलाइवरी डक्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, जो कि एक्सोक्राइन सिस्टम का एक पार्ट है। जबकि एंडोक्राइन क्या होते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम वो होते हैं जिनके अंदर डक्ट्स मौजूद नहीं होते, और वो हॉर्मोन्स की रिलीज जो हो करते हैं ग्लैंड्स, वो ब्लड के थ्रू रिलीज करते हैं। और इसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे देता हूँ। सो हमारा पहला एसएलओ की डिमांड है कि हमें हॉर्मोन और एंडोक्राइन सिस्टम को सेपरेटली डिफाइन करना है। अगर हम बात करें हॉर्मोन की, तो ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि ब्लड के थ्रू ट्रेवल करते हैं और टारगेट और जो ऑर्गन होता है उस पर अपना काम करते हैं। सो दिस टाइप दीज हॉर्मोन्स आर बी रिलीज बाई स्पेसिफिक ग्लैंड्स, एंड बेसिकली द फंक्शन ऑफ दिस हॉर्मोन्स इज टू कंट्रोल स्पेसिफिक फंक्शंस ऑफ अवर ऑर्गन्स एंड द ऑन गोइंग प्रोसेस इज कैरीड ऑन इन अवर बॉडी। इन हॉर्मोन्स की हाइपर सिक्रीशन मतलब बहुत ज़्यादा सिक्रीट हो जाना, अब एक्सेसिव इंसुलिन सिक्रीशन की बहुत अगर खराब है, कंसंट्रेशन या इसके फिर जो जो उसकी सिक्रीशन सिक्रीशन है कॉज हो सकती हमारी है बॉडी के या अंदर, फिर बहुत बहुत ज़्यादा कम लो लो हो हो जाए, जाए, जो इसकी है वो वजह भी से हमें डिजीज क्या कॉज होगा कर सकती कि है। हमारी बॉडी के अंदर ब्लड ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को कम करने के लिए कोई हार्मोन मौजूद नहीं होगा, और हेंस अ रिजल्ट क्या होगा कि हमारी बॉडी जो होगी उसके अंदर ब्लड ग्लूकोज कंसेंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई होगी, और हमें एक डिजीज हो सकती है जिसको कहते हैं डायबिटीज़। अब हम आते हैं एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर। तो ये एक ऐसा केमिकल कोऑर्डिनेशन सिस्टम है जिसका मैंने आपको पहले ही बताया, जो डक्टलेस होता है, सही है, और जो वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ ग्लैंड्स पे कंपोज होता है, जो कि मुख्तलिफ हॉर्मोन्स को रिलीज करते हैं। एक डिफरेंस जो कि मेजर डिफरेंस एक केमिकल कोऑर्डिनेशन और एक नर्वस कोऑर्डिनेशन में ये है कि जो मैसेजेस सेंड किए जाते हैं ना, वो डिफरेंट तरीके से किए जाते हैं। जो बेसिकली एंडोक्राइन सिस्टम है वो अपने हॉर्मोन्स को रिलीज करता है थ्रू ब्लड, वेरस के जो हम बात करें नर्वस कोऑर्डिनेशन की, तो वो अपने जो सिग्नल्स होते हैं या जो मैसेजेस पूरी बॉडी में थ्रू आउट सेंड करता है, वो सेंड करता है थ्रू नर्व इम्पल्सिस। अब नर्व इम्पल्सिस काम करती है इलेक्ट्रिसिटी की बेसिस पे, तो ऑब्वियसली बात है एक के जो चीज़ इलेक्ट्रिसिटी की तरह वो ट्रेवल कर रही है बॉडी के अंदर, तो वो ज़्यादा फास्टर जाएगी एज कम्पेयर टू ब्लड, क्योंकि ब्लड में जो हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं तो उनको टारगेट और जो ऑर्गन्स पर पहुंचने के लिए टाइम लगता है। लेकिन हम इसकी पॉजिटिव साइड पे देखें, तो जो ब्लड से रिलीज किया हुआ हॉर्मोन होगा, ब्लड में जो हॉर्मोन ट्रेवल कर रहा है उसका जो काम होगा, वो जो काम कर रहा है किसी ऑर्गन पर, वो ज़्यादा एफिशिएंट होगा एज कम्पेयर टू हमारे पास नर्व इम्पल्स, और ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग भी कहलाएगा। तो वो नेक्स्ट एसएलओ इज एसएलओ नंबर 12.5.2, इन विच वी हैव टू एक्सप्लेन द लोकेशन एंड द फंक्शंस ऑफ द मेजर ग्लैंड्स ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम विच आर मेंशनड हियर इन द पीपीटी एज वेल। देयर इज अ इंटरनल एसएलओ एज वेल विच इज नोन एज 12.5.3, इन विच वी हैव टू डिफरेंशिएट अमंग द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद द हाइपर और हाइपो सिक्रेशन ऑफ द सोमैटोट्रोफिन एंड अदर हॉर्मोन्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल स्टार्ट विद पिट्यूटरी ग्लैंड। सो बेसिकली पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होता है, एक ऐसा ग्लैंड होता है जो कि हमारे ब्रेन में लोकेटेड होता है, और इसकी प्रॉपर लोकेशन हम कहें तो वो हाइपोथैलेमस के बिलो होती है, उसके अंडर होती है। अब पिट्यूटरी ग्लैंड जो भी हार्मोन रिलीज करते हैं ना, तो उसमें हाइपोथैलेमस का एक हद तक इन्फ्लुएंस भी होता है। हाइपोथैलेमस का अगर मैं आपको एक शॉर्ट में ओवरव्यू दूँ, तो ये ऐसा ब्रेन का पार्ट होता है जो कि नर्वस कोऑर्डिनेशन और जो हमारी केमिकल कोऑर्डिनेशन दोनों को एक तरह से ब्रिजिंग करता है दोनों के दरमियान, और एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि हाइपोथैलेमस जो है पिट्यूटरी ग्लैंड को अवेयर करता है बॉडी के अंदर अगर कोई भी इंटरनल बॉडी सिचुएशन में कुछ भी कोई चीज़ नई हुई है या कोई चीज़ आउट ऑफ द बॉक्स हुई है, तो वो उसके बारे में पिट्यूटरी ग्लैंड को अवेयर करता है, ताकि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उसके मुताबिक हॉर्मोन रिलीज करे। पिट्यूटरी ग्लैंड को हमने एक नया नाम दिया है जो एक जनरल नाम है, इसको हम कहते हैं मास्टर ग्लैंड।
अब ये नाम देने की दो वजूहत, नंबर वन इज दैट द साइज ऑफ इट, इसका साइज ऑलमोस्ट पी शेप का होता है बट उसकी एफिशिएंसी इतनी ज्यादा है कि वो मैनी सिक्रेशंस को कंट्रोल करता है एक छोटा सा ग्लैंड। इफ यू वॉन्ट टू अंडरस्टैंड द पिट्यूटरी ग्लैंड मोर एफिशिएंटली एंड इन अ मोर गुड वे, सो वी हैव टू डिवाइड इट इनटू टू सब कंपोनेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल इज द एंटीरियर लोब विच मीन्स द फ्रंट पार्ट ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड, एंड सेकेंड इज द पोस्टीरियर लोब विच मीन द बैक पार्ट ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। स्टार्टिंग ऑफ विद द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, सो पिट्यूटरी ग्लैंड जो एंटीरियर पार्ट होता है मतलब सामने वाला पार्ट होता है वो सोमेटोट्रोफिन की सिक्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सोमेटोट्रोफिन से मुराद ग्रोइंग एज हॉर्मोन जो कि ग्रोइंग के लिए ग्रोइंग एज में प्रोडक्शन करता है, ग्रोइंग एज में प्रोड्यूस होता है और एसेंशियल होता है बॉडी की फिजिकल नर्चरिंग के अंदर, फिजिकल ग्रोथ के अंदर। अब इससे इसकी हाइपर सिक्रेशन उसकी हाइपो सिक्रेशन से दोनों से हाइपर हाइपो दोनों से जो है डिजीजेस कॉज हो सकती हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि अगर ड्यूरिंग द ग्रोइंग एज इफ दिस हार्मोन डिमिनिश और द प्रोडक्शन ऑफ इट और द सिक्रेशन ऑफ दिस हार्मोन इज वैनिश्ड फ्रॉम आवर बॉडी, सो दिस कंडीशन इज नोन एज ड्वार्फिज्म, इसको जिसको हम स्टंट ग्रोथ भी कहते हैं कि बॉडी जो है वो प्रॉपर अमाउंट ऑफ ग्रोथ नहीं कर पाती, उसकी ग्रोथ जो है एक हद तक रुक जाती है जिसको हम स्टंट ग्रोथ कहते हैं, यदि हाइट बिलो द एवरेज हो जाती है। सेकेंड कंडीशन क्या होती है कि अगर ये हार्मोन सोमेटोट्रोफिन जो है ग्रोइंग एज में एक्सेसिवली प्रोड्यूस हो जाए तो उसको हम कहते हैं जाइगेंटिज्म, जिसकी वजह से क्या होता है कि एक्सेस ऑफ हाइट या ओवरवेट इंसान हो सकता है। एक्सेस हाइट का मतलब कि बहुत ज्यादा हाइट हम देखते हैं कुछ लोगों की एबनॉर्मल हाइट होती है, तो उसकी वजह ये होती है कि उनकी जो ग्रोइंग एज के दौरान इस हार्मोन की एक्सेस ऑफ प्रोडक्शन हुई है। और थर्ड कंडीशन विच इज द लास्ट कंडीशन जो ये है कि अगर ग्रोइंग एज के बाद मतलब टीनेज लाइफ के बाद जो एक होती है एडल्ट एज होती है, जनरली आइडियल कंडीशन के अंदर सोमेटोट्रोफिन की प्रोडक्शन रुक जाती है या स्लो डाउन हो जाती है, लेकिन ऐसी कंडीशन एक्रोमेगेली कंडीशन होती है जिसके अंदर ग्रोइंग एज के बाद भी एडल्ट लाइफ के अंदर भी इसकी प्रोडक्शन जारी होती है और एक्सेस में होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ बॉडी हो जाती है और जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं वो एबनॉर्मली ग्रो हो जाते हैं। और आखिर में एंटीरियर लोब में हमारे पास क्या आता है, थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। ये एक ऐसा हार्मोन होता है मतलब ये ऐसी TSH एक ऐसा सब चीज होती है जो कि थायराइड ग्लैंड को अवेयर करती है या स्टिम्युलेट करती है कि वो थायरोक्सिन हार्मोन की प्रोडक्शन को कैरी आउट करे। हमने जैसे ओवरऑल मैंने आपको पिट्यूटरी ग्लैंड का बताया कि किस तरह हाइपोथैलेमस जो है पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर इन्फ्लुएंस रखता है कि कब जो है हार्मोन की सिक्रेशन करनी है, तो बेस्ट एग्जांपल इज शोन हियर, द आइडियल एग्जांपल इज शोन इन द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड वेयर TSH इज कंट्रोलिंग ओवर द थायराइड ग्लैंड कि कब जो है उसको हार्मोन रिलीज करना है और कौन सी कंडीशन में इसको रिलीज करना है। सो द नेक्स्ट वन इज पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, और जो पोस्टीरियर लोब होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का वो रिस्पॉन्सिबल होता है दो हार्मोन्स की सिक्रेशन के लिए, द फर्स्ट वन इज ADH एंड द सेकेंड वन इज ऑक्सीटोसिन। अब सबसे पहले बात करते हैं ADH पे, तो ADH का वन लाइनर फंक्शन ये होगा कि रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द नेफ्रॉन्स इनटू द ब्लड और द बॉडी। सो अब नेफ्रॉन्स एक नई टर्मिनोलॉजी है जिसका एक सिंपल सा मतलब ये होता है कि इट इज द यूनिट ऑफ किडनी, किडनी का यूनिट कहलाता है ये, और क्यों कहलाता है क्योंकि इसका काम होता है कि यूरिन प्रोडक्शन कैरी आउट करना। इसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन या फिर डिटेल एक्सप्लेनेशन मैं इंशाल्लाह होम्योस्टेसिस क्लास 10th बायोलॉजी में मैं दूंगा जब भी मैं इसको कवर करूंगा, लेकिन फिल वक्त हम इसी बात पे स्टिक रहेंगे कि जो नेफ्रॉन्स है उसका काम होता है कि यूरिन प्रोडक्शन कैरी आउट करना। अब हम बात करते हैं कि ADH किस तरह लिंक है, तो सबसे पहले अगर नेफ्रॉन में बॉडी फ्लूइड्स की कंसंट्रेशन लो हो जाए तो एक स्टिम्युलेशन कैरी आउट होता है जिसकी वजह से क्या होता है कि ADH हाई अमाउंट में सिक्रीट होगा। जब ADH हाई अमाउंट में सिक्रीट होगा तो हैंस अ रिजल्ट जो हमें यूरिन एज अ प्रोडक्ट मिलता है उसमें क्या होगा कि कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हाई होगी उसकी, सही डाइल्यूटेड नहीं होगा, और सेकेंड चीज क्या होगी कि वॉल्यूम बहुत ज्यादा लो होगा क्योंकि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर जो है मूव कर चुका है फ्रॉम नेफ्रॉन टू ब्लड। सेकेंड क्या है, सेकेंड थिंग क्या होती है कि अगर हम बात करते हैं इसकी अपोजिट सिचुएशन के बारे में, तो अगर बॉडी फ्लूइड ज्यादा है नेफ्रॉन्स के अंदर तो ADH कम सिक्रीट होगा, जब ADH कम सिक्रीट होगा तो हैंस का रिजल्ट हमारे पास जो यूरिन फॉर्म होगा वो जो है उसकी कंसंट्रेशन मतलब के बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड नहीं होगा बल्कि डाइल्यूटेड फॉर्म होगा, और जबकि वॉल्यूम है वॉल्यूम हमारे पास ज्यादा फॉर्म होगा। अब हम बात करते हैं इसके सिक्रेशन लेवल्स की, अगर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है रिक्वायर्ड अमाउंट के अंदर ADH सिक्रीट नहीं करता है तो इस कंडीशन के अंदर एक डिजीज कॉज हो जाती है जिसको हम कहते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। ये याद रखना आपको हमेशा कि डायबिटीज मेलिटस एक अलग डिजीज है जो कि शुगर लेवल्स से रिलेटेड होती है, और ये डायबिटीज इंसिपिडस अलग डिजीज है जो कि
नेफ्रॉन्स के अंदर बॉडी जो फ्लूइड्स होते हैं या फिर एडीएस सेक्रेशन ना होना, ये उससे लिंक्ड होती है। हम नेक्स्ट चीज पर आते हैं कि ऑक्सीटोसिन जो होता है वो बेसिकली क्या होता है कि जब एक न्यू बेबी बॉर्न होता है या एक नई चाइल्ड बर्थ होती है तो मदर्स के लिए जो है ये एक हार्मोन होता है ऑक्सीटोसिन, जो कि ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान बच्चों के लिए काम आता है। अब हम नेक्स्ट ग्लैंड की तरफ बढ़ते हैं जो कि बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड होता है और इसका बहुत मेजर पार्ट है हमारे एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर, जिसको कहते हैं थायराइड ग्लैंड। इसकी लोकेशन हम देखें एज गिवन इन द डायग्राम, तो ये बिलो द लैंडेक्स होता है। लैंडेक्स क्या? हमारा वॉइस बॉक्स के एकदम बिलो होता है ये। अगर हम इसकी लोकेशन जरा चेक करें तो यहाँ पर आप देखें कि इसमें जो है इसकी भी एक पोस्टीरियर साइड है और एक जो है एंटीरियर साइड है। एंटीरियर मतलब पता है मैं आपको, फ्रंट होता है और पोस्टीरियर बैक एंड होता है। पोस्टीरियर के अंदर हमारे पास पैरा थायराइड के 4 ग्लैंड्स होते हैं जो इसके बाद हम फर्दर पढ़ेंगे। तो फिलहाल के लिए हम ये इसको हम जहन में रखते हैं। थायराइड ग्लैंड का बेसिकली काम क्या होता है कि एक हार्मोन जिसको हम कहते हैं थायरोक्सिन हार्मोन की सिक्रीशन करना। थायरोक्सिन हार्मोन मैंने आपको बताया था कि एक ऐसा हार्मोन होता है जो कि हमारी मेंटल हेल्थ की नर्चरिंग के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। मैंने आपको जरा एंटीरियर लोब में आपको बताया था कि एक तो सोमैटोट्रोपिन जो कि हमारी फिजिकल नर्चरिंग के लिए काम आता है, तो ये जो होता है हमारी मेंटल नर्चरिंग के लिए काम आता है। इसकी प्रोडक्शन या फिर जो थायरोक्सिन जो बनता है वो आयोडीन से बनता है, और आयोडीन की कमी अगर हमारी डाइट में हो, हम इनफ फिश नहीं ले रहे हैं क्योंकि फिश एक बहुत बड़ी सोर्स है आयोडीन की, अगर वो हमारे पास नहीं है हमारी डाइट के अंदर तो हमें डिजीज हो सकती है गोइटर। गोइटर में क्या होता है कि थायराइड का जो एरिया होता है जहाँ पे थायराइड ग्लैंड पाया जाता है वो इनलार्ज हो जाता है। कुछ लोगों की लोअर नेक होती है ना बहुत ज्यादा इनलार्ज हो जाती है, बल्की हो जाती है, तो वो गोइटर की निशानी होती है। अब इसकी भी कुछ कंडीशंस हैं कि जिसके अंडर वो डिपेंड करती है कि थायरोक्सिन किस रेट में सिक्रीट हो रहा है। फर्स्ट कंडीशन है हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपो से मुराद यही है कि लेस सिक्रीशन होना, तो हाइपोथायरॉयडिज्म का मतलब ये निकलता है कि जब कम थायरोक्सिन सिक्रीट हो रहा है बाय थायरॉयड ग्लैंड, तो एज अ रिजल्ट क्या होता है कि लो एनर्जी प्रोडक्शन होती है बॉडी के अंदर और हार्ट बीट स्लो हो जाता है। अगर हम बात करें हाइपरथायरॉयडिज्म, मतलब कि अगर थायरोक्सिन हार्मोन बहुत ज्यादा एक्सेस में प्रोड्यूस हो रहा है तो उसको हम कहेंगे हाइपरथायरॉयडिज्म, जिसके सिम्टम इसके वाइस वर्सा हो जाएंगे। मतलब जैसे कि हमने पढ़ा उसमें स्लो हार्ट बीट है तो उसमें ज्यादा तेज हार्ट बीट हो जाएगी, शिवरिंग ऑफ हैंड्स होगी और फ्रीक्वेंट स्वेटिंग हमें महसूस हो सकती है। थायराइड ग्लैंड जो है मजीद एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है जो कि कैल्शियम आयन से लिंक्ड होता है और जिसका नाम है कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन जो होता है वो बेसिकली क्या करता है कि हमारे ब्लड से बोन्स की तरफ जो है वो कैल्शियम आयन्स की एब्जॉर्प्शन करता है, जिसकी वजह से जो है क्या कहते हैं हमारे जो ब्लड की में भी जो कैल्शियम आयन्स की जो एक कंपोजिशन है और एज वेल एज बोन्स के दोनों के अंदर एक बैलेंस हमेशा क्रिएट रहता है। सो नेक्स्ट इज पैरा थायराइड ग्लैंड। और जब मैं थायराइड ग्लैंड को एक्सप्लेन कर रहा था तो मैंने ज़रा एक ओवरव्यू दे दिया था कि इसकी लोकेशन के बारे में। सो आप इस डायग्राम में क्लियरली देख सकते हैं कि पैरा थायराइड ग्लैंड जो है वो बैक एंड पे लोकेटेड होते हैं। बैक एंड से मुराद है कि पोस्टीरियर एंड पे लोकेटेड होते हैं और इन टोटल 4 होते हैं। अगर हम बात करें इसके फंक्शंस की तो उसका मेन फंक्शन होता है कि एक हार्मोन सिक्रीट करना जिसको कहते हैं पैराथॉर्मोन, जिसका काम जो होता है वो कैल्सिटोनिन के बिल्कुल वाइस वर्सा है। और जैसे हमने पढ़ा था कैल्सिटोनिन क्या करता है कि कैल्शियम आयन्स को एब्जॉर्ब करता है फ्रॉम ब्लड टू बोन, जबकि जो पैराथॉर्मोन है वो अपोजिट करता है मतलब बोन टू ब्लड। अब इसको इसका काम जो है ना सिर्फ अकेले पैराथॉर्मोन का ना कभी काम कर सकता है ना ही सिर्फ कैल्सिटोनिन अकेले काम कर सकता है, तो इसके लिए एक टर्मिनोलॉजी है जिसको हम कहते हैं होम्योस्टेसिस। मैंने इस वीडियो के दौरान मैंने काफ़ी बार इसको रिपीट करा है। तो बेसिकली इसका मतलब ये होता है यही है कि एक बैलेंस क्रिएट करना, एक इक्विलिब्रियम एक तरह से क्रिएट करना। सो मैंने नोट भी यहाँ पर साथ में दिया कि कैल्सिटोनिन एंड पैराथॉर्मोन दोनों एक दूसरे से बिल्कुल सेम रेट पर काम करते हैं और बिल्कुल साइमल्टेनियसली एक दूसरे से काम करते हैं, ताकि जो है बॉडी के अंदर कैल्शियम आयन्स की कमी ना हो और एक बैलेंस आउट ना रहे। मतलब जितना बोन के पास कैल्शियम आयन्स हैं, जितने रेट पे बोन के पास कैल्शियम आयन्स रिसीव हो रहे हैं, तो उतने ही रेट के साथ ब्लड के पास भी कैल्शियम आयन रिसीव हो रहे हो। नेक्स्ट इज द एड्रीनल ग्लैंड्स। सो एड्रीनल ग्लैंड्स की लोकेशन हम कहें तो किडनीज के अबव होती है। अब एड्रीनल ग्लैंड को भी हम दो सब कंपोनेंट्स से डिवाइड करते हैं, एक होता है एड्रीनल मेड्यूला और सेकेंड वन होता है एड्रीनल कॉर्टेक्स। एड्रीनल मेड्यूला एक अलग हार्मोन सिक्रीट करता है जिसको कहते हैं एड्रेनालाइन, और ये हार्मोन जो है एक इमरजेंसी हार्मोन होता है जो बेसिकली इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर हमारी बॉडी के अंदर नेसेसरी एक्शंस कैरी आउट करता है। जबकि जो हमारे पास एड्रीनल कॉर्टेक्स है वहाँ पर एक अलग हार्मोन सिक्रीट किया जाता है जिसको कहते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स और मे बी ऑल्सो नोन एल्डोस्टेरॉन। सही है। और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का बेसिकली काम क्या होता है कि ब्लड के अंदर
या हमारी इंटायर बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर बेसिकली जो है सॉल्ट एंड वाटर की कंसेंट्रेशन को बरकरार रखना। तो द नेक्स्ट ग्लैंड इज पैंक्रियास, और ऑल्दो ये ग्लैंड जो है बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड नहीं है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है एज ये हमारी बॉडी के अंदर दो फंक्शंस परफॉर्म करता है, एक्सोक्राइन फंक्शन के तौर पे काम करता है और एज वेल एज एंडोक्राइन के तौर पे भी काम करता है। इसका मेजर पार्ट एक्सोक्राइन होता है। किस तरह काम करता है एक्सोक्राइन पे, ये कि जब भी हम हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव प्रोसेस कैरी आउट होता है, तो जब हमारा फूड स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ पहुंचता है और उसका एक पार्ट होता है उसको कहते हैं ड्यूडेनम, वहाँ पैंक्रियास का जो डक्ट होता है वो पैंक्रियाटिक जूस को रिलीज करता है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन कैरी आउट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये हो गया इसका एक्सोक्राइन। अब होता है एंडोक्राइन पार्ट, क्या कि एंडोक्राइन पार्ट रिस्पॉन्सिबल होता है इंसुलिन और ग्लूकागॉन की सिक्रेशन के लिए, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल होता है। इंसुलिन कब सिक्रेट किया जाता है बॉडी के अंदर, जब भी ब्लड ग्लूकोज कंसेंट्रेशन अबव द एवरेज हो जाए, तो उसको कंट्रोल करने के लिए बॉडी है ना एक रेट के अंदर जो है इंसुलिन रिलीज करती है ताकि नॉर्मल कंसेंट्रेशन तक हमारे पास ग्लूकोज पहुंच जाए। अब ये जो एक्सेस ऑफ ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट किया जाता है इनटू ग्लाइकोजन विच इज ऑल्सो नोन एज द स्टोर ग्लूकोज, और ये तमाम एक्शन कैरी आउट होता है लिवर के अंदर। फिर अगर हम ग्लूकागॉन की बात करें तो इसकी कंडीशन वाइस वर्सा होती है, ये तब एक्ट करता है जब भी बॉडी के अंदर ग्लूकोज कंसेंट्रेशन बिलो द एवरेज हो जाए, और जब ये रिलीज होता है तो वो बिलो को एवरेज जो ग्लूकोज कंसेंट्रेशन है उसको नॉर्मल पे लेके आ जाता है और इस तरह एक बैलेंस क्रिएट हो जाता है। अगर हम बात करें इनकी वजह से जो डिजीज कॉज हो सकती है, तो अगर हाइपोसिक्रेशन इंसुलिन की, बॉडी के अंदर इंसुलिन सिक्रीट नहीं हो रहा, तो डायबिटीज मेलिटस हमें कॉज हो सकता है। वेरस अगर हाइपोसिक्रेशन है ग्लूकागॉन की, तो इससे हमें हाइपोग्लाइसीमिया कॉज हो सकता है। सेक्स वन इज गोनेड्स, बेसिकली मेल और फीमेल के अंदर रिस्पेक्टिवली जो है अलग अलग गोनेड्स के होते हैं। मेल के अंदर टेस्टिस पाए जाते हैं वेरस फीमेल्स के अंदर ओवरीज पाई जाती हैं, और गोनेड्स का काम होता है कि हार्मोन की सिक्रेशन करना। कुछ ऐसे इंडिविजुअल हार्मोन सिक्रीट करते हैं गोनेड्स इंडिविजुअली मेल्स एंड फीमेल्स के अंदर, जो उनकी सेकेंडरी ग्रोथ के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होती है। फॉर एग्जाम्पल मेल्स हैं, मेल्स के अंदर जो है टेस्टिस जो है टेस्टोस्टेरोन जो है रिलीज करते हैं, और इसका सेकेंडरी फंक्शन जो मेल्स के अंदर काम किस तरह आता है, ये कि जब जो लड़के होते हैं तो जब वो टीनेज लाइफ में होते हैं अपनी 15 और 17 के अंदर, तो उनकी फेशियल हेयर ग्रोथ जो है वो काफ़ी उस वक्त बढ़ती है, तो ये दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ हाई टेस्टोस्टेरोन लेवल्स। और वेरस के जो मेल्स हैं उनकी आवाज़ के अंदर जो है एक तरह से एक भारीपन आ जाता है, तो वो भी जो है टेस्टोस्टेरोन की वजह से होता है। वेरस अगर हम बात करते हैं ओवरीज की, जो कि फीमेल गोनेड्स होते हैं, तो वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन की सिक्रेशन की, जो कि फीमेल्स की सेकेंडरी डेवलपमेंट या ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हमारा नेक्स्ट एसएलओ है 12.5.4, इन विच वी हैव टू डिस्क्राइब द नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म विद रेफरेंस टू इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। अब इस एसएलओ को मैं इंसुलिन और ग्लूकागॉन के रेफरेंस समझाने से पहले मैं आपको एक ओवरव्यू देना चाहता हूँ नेगेटिव फीडबैक लूप्स के हवाले से। सो बेसिकली क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर ऐसा मैकेनिज्म मौजूद है ऑलरेडी कि जब भी कोई चीज़ बॉडी में इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर ऐसी कोई चीज़ कैरी आउट हो रही है जो कि बॉडी के कंफर्ट जोन के मुताबिक नहीं है या बॉडी की कंफर्ट लेवल्स के मुताबिक नहीं कि जिसके अंदर बॉडी यू नो आसानी से काम कर सके, तो ऐसा मैकेनिज्म क्या करता है कि उस चीज़ को या कोई चीज़ ऐसी कैरी आउट हो रही है ना उसको रिवर्ट कर देगा, और रिवर्ट करके इसको नॉर्मल कंसेंट्रेशन में लेके आ जाएगा, नॉर्मल लेवल पर लेके आ जाएगा, ताकि बॉडी जो है अपना काम परफेक्टली कर सके। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि हमारी बॉडी के अंदर बॉडी फ्लूइड्स की कमी हो गई है, तो ये चीज़ जो है बॉडी के लिए ख़राब है क्योंकि बॉडी काम नहीं कर सकती इन चीज़ों पर। तो हैंस रिजल्ट क्या होगा कि ये मैकेनिज्म क्या करेगा कि उस चीज़ को रिवर्ट कर देगा और बॉडी फ्लूइड्स को नॉर्मल कंसेंट्रेशन में लेके आ जाएगा। अब हम बात करते हैं इंसुलिन और ग्लूकागॉन के लेवल पर। फॉर एग्जाम्पल हमारी ब्लड ग्लूकोज कंसेंट्रेशन लो हो गई है, तो एज अ रिजल्ट क्या होगा कि हम चूंकि हम यहाँ पर एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर नर्व इम्पल्सिस काम नहीं करेंगी, बल्कि ब्लड जो है, ब्लड एक तरह से सेंसरी ऑर्गन है जो कि इस जो है इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर खराबी को जो है डिटेक्ट करेगा और उसको पैंक्रियास तक पहुंचाएगा, या पैंक्रियास कोऑर्डिनेटर है। पैंक्रियास क्या करता है कि जो है इंसुलिन को या फिर जो भी रिस्पेक्टिव जो हमारे पास हार्मोन है उसको रिलीज करेगा, और हैंस रिजल्ट क्या होगा कि हमारा जो जो चीज़ सही नहीं थी, जो प्रोसेस सही नहीं था, तो वो प्रोसेस जो है वापस से नॉर्मल पे आ जाएगा। ये है नेगेटिव फीडबैक लूप विद रेफरेंस टू दी पैंक्रियास के हॉर्मोन्स के हवाले से। तो हमारा आज का लास्ट एसएलओ है 12.5.5, इन विच वी हैव टू एक्सप्लेन हाउ एड्रेनलिन इज इन्वॉल्व इन द इमरजेंसी सिचुएशन। इस पूरे सिनेरियो को समझने के लिए हमें एक सिचुएशन क्रिएट करनी पड़ेगी जिसके अंदर हमें फंक्शन समझ आ जाए एड्रेनलिन का इमरजेंसी कंडीशन के अंदर।
फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन ए है जो कि देखता है कि एक डॉग उसकी तरफ भागते हुए आ रहा है, बार्क कर रहा है, बहुत तेजी से आ रहा है, तो एक नॉर्मल ह्यूमन बींग की तरह एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट होगी और वो उसे दूर भागने की कोशिश करेगा। तो जब वो उसे दूर भागेगा एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट होगी, और यहाँ पर जो है आप एक पॉज ले जरा यहाँ तक मैंने जो कहा है, और इस नोट को जरा पढ़ें कि इसमें ज़रा एक क्लियरली इस चीज़ की आइडेंटिफिकेशन करी गई है कि एड्रेनलिन की स्टिमुलेशन कैसे कैरी आउट होती है। अब जाहिर है एड्रेनलिन खुद ही रिलीज तो नहीं होगा ना, उसको कोई चीज़ स्टिमुलेट करेगी, कोई चीज़ को अवेयर करेगी कि अब आपको जो है रिलीज करना है एड्रेनलिन। तो इसके लिए एक ब्रेन का पार्ट होता है जिसको कहते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो कि क्या करता है एड्रेनलिन को या फिर जो एड्रेनल ग्लैंड्स है उसको अवेयर करता है कि अब आपको इस कंडीशन के अंदर एड्रेनलिन रिलीज करना है एक सर्टेन अमाउंट के अंदर, एक सर्टेन जो है क्वांटिटी के अंदर। तो जब ये चीज़ रिलीज होती है तो दोनों मिलके क्या करते हैं कि नेसेसरी एक्शंस करते हैं, कैरी आउट करते हैं हमारी बॉडी के अंदर, ताकि जो है हमारी बॉडी बर्डन सिचुएशन के अंदर, बर्डन के अंदर एक अच्छा काम कर सके, एफिशिएंटली काम कर सके। फॉर एग्जांपल अगर हम भाग रहे हैं, भागते हुए हमें क्या चीज़ रिक्वायर्ड होती है, प्रॉपर सप्लाई ऑक्सीजन। तो इसके लिए एक है ना हमारा हार्ट मजीद पंप करता है, ब्लड की सर्कुलेशन को बढ़ा देता है बॉडी के अंदर, ताकि ब्लड हर बॉडी के कोने तक पहुँचे, और साथ ही साथ जो है ऑक्सीजन जो है वो है ना पूरी बॉडी में सप्लाई हो ताकि बॉडी कोलैप्स ना कर जाए। सेकेंडली क्या होता है कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो उसके लिए हमारे जो स्वेट पोर्स होते हैं और साथ ही जो सरफेस लेवल पे हमारे ब्लड कैपिलरीज होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, उसको डायलेट कर दिया जाता है जिसको हम वैसो डायलेशन कहते हैं, और स्वेट रिलीज होता है ताकि बॉडी का टेम्परेचर भी साथ ही मेंटेन रहे। और एक और चीज़ है कि भागते वक्त हमें ग्लूकोज भी चाहिए ताकि हम मजीद ज़्यादा भाग सकें, ज़्यादा तेज़ भाग सकें। तो जो ग्लूकोज जो है ज़्यादा से ज़्यादा हमारे स्केलेटल मसल को पहुँचता है, हमारे जो लोअर लिम्स है या अपर लिम्स है वहाँ के वहाँ तक पहुँचता है, ताकि हम भागने में हमें मदद हासिल। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। इंशाल्लाह हम आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे।